डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ऑलराइट गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम लोग अपने उत्तराखंड जा रहे हैं टिहरी गढ़वाल। तो आज का व्लॉग जो आएगा आपको दिल्ली टू न्यू टिहरी गढ़वाल का रास्ता दिखाएंगे। तो कुछ इस हाय बोल दो सब्सक्राइबर्स को। हाय, हेलो, हाय बोल दीजिए चाची। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। गाइस ये देखो हमारे पहाड़, नीचे रोड ऊपर पहाड़। अजय देवगन और शाहरुख खान भी है। व्यू देखो। ऑल राइट गाइज, अभी हम ये देखिए ऋषिकेश का नज़ारा है ऊपर से, और अब हम आगे बढ़ेंगे नरेंद्र नगर की तरफ। तो आपको नरेंद्र नगर दिखाएंगे आप यहाँ से आगे, बने रहिएगा वीडियो में आप। और बीच में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज आएगा, आपको वो भी दिखाएंगे। ऐसे अभी अभी मेरे को बताया पापा ने कि ये रास्ते में हमारा आईडीआई बढ़ता है, नरेंद्र नगर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक का राजकीय वो है, इंस्टीट्यूट है राजकीय पॉलिटेक्निक। मैंने आपको बताया था नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल। गाइस ये है नरेंद्र नगर बाईपास। ये देखिए एक रोड यहाँ से ऊपर जा रही है ये, और एक रोड यहाँ जा रही है। ये हम ऊपर आ गए हैं, आप पढ़ सकते हैं नई न्यू टिहरी नरेंद्र नगर गंगोत्री उत्तरकाशी। तो ये रोड हमारी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल गंगोत्री और उत्तरकाशी जा रही है, जिसमें से हमें नई टिहरी जाना है। और जो पीछे वाली रोड थी वो कहाँ गई थी पापा? वो भी वहीं जा रही है बाईपास, वो भी वहीं जा रही है। बस ये बाईपास है गाइस। गाइस ये ना नरेंद्र नगर मार्केट है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। सो टिहरी गढ़वाल के जो राजा होते थे गाइस, वो इस मार्केट में आते थे अपने टाइम पे। ये उनकी और ये उनकी मार्केट थी प्रॉपर। ये देखो गाइस आज भी पुराने तरीके से ये बना हुआ है। ये देखिए राइट साइड पे ये पुरानी मार्केट बनी हुई है। तो कहते हैं गाइस जो राजा थे वो इंडिपेंडेंट थे, उनको कैप्चर नहीं करा था ब्रिटिशर्स ने। तो ये ऊपर राजा का महल है गाइस, यहाँ पे ना काफ़ी ऊपर है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। बट गाइस देखो आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये है महल राजा का। टिहरी गढ़वाल के जो राजा थे ये उनका महल है। कहा जाता है कि अब यहाँ पे कोई होटल है, आप लोग यहाँ रह सकते हैं। तो देखिए राजा का महल नरेंद्र, और ये है नरेंद्र नगर पूरा। ये देखिए पूरा नरेंद्र नगर है, यहाँ लोग रहते हैं, राजा की विरासत है। ठीक है गाइस अब मिलते हैं, अब आगे आगे आपको दिखाएंगे। राइट गाइस आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट दिल्ली हरिद्वार रानी पोखी पोखरी देहरादून नरेंद्र नगर। अच्छा गाइस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये बेसिकली रोड देहरादून जा रही है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ से ये ऋषिकेश बाईपास तक भी है। तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट अब आप लोगों को बता दिया, आप लोग कभी इस रास्ते से जाओ तो आप लोग देहरादून जा सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। और 50 किलोमीटर है, देखिए मैंने जूम करके दिखाया आपको। तो गाइस चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, है ना, जर्नी आपको दिखाते हैं कैसी कैसी जा रही है। गाइस ये पूरा एक सोलार प्लांट है ऊपर देखिए, और यहाँ पे ये स्कूल है, कोई माउंट कोई कैथलिक स्कूल है गाइस ये। हाँ माउंट कार्मल, ये देखिए पढ़िए आप माउंट कार्मल क्रिश्चियन अकेडमी, बढ़िया है, एडमिशन ले सकते हैं अगर आप लोग इधर रहना चाहते हैं। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है ये। देखिए गाइस पूरा मां कुंजापुरी का मंदिर यहाँ से देखिए, यहाँ से
दिख रहा है वो देखिए टॉप पे। मैंने फाइनली ये माँ कुंजापुरी का मंदिर है गाइस। गाइस ये देखिए ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। कुंजापुरी के लिए इधर से जाना पड़ता है और माँ कुंजापुरी के लिए ऊपर से है रास्ता और ये भैरव मंदिर है। जय भैरव बाबा की जय जय हो। और कुंजापुरी के लिए भी ऊपर से ही है रास्ता गाइस, माँ कुंजापुरी। आप लोग कभी इधर आए तो जरूर जाइएगा। इस फाइनली हम लोग रुके हैं थोड़ा सा चाय पीने, बिकॉज मैंने भी 3 घंटे गाड़ी चलाई है, पापा ने भी चलाई, तो हम यहाँ पे रुके हैं। क्या की दुकान सत्येंद्र कंडारी मिलन ढाबा, आप लोग यहाँ आके रुक सकते हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है गाइस, आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, इतना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू है, वो देखिए। पापा आ गए हैं, कोई खाओगे? चाचा खाने की बातें चल रही है गाइस। ये बुरांस का फूल है, उसका सिरप है, बहुत अच्छा होता है और ये बस हमारे उत्तराखंड में अवेलेबल है गाइस। ये खाड़ी आ चुका है, इसे खाड़ी कहते हैं। एक रोड यहाँ से डेहरी के लिए जाती है, एक रोड यहाँ से गजा के लिए जाती है। हम गजा वाली रोड पे जाएंगे और अब आपको दिखाएं, ये आप रोड देख सकते हैं। ये हमने टर्न ले लिया है गाइस, हम गजावली रोड पे निकल चुके हैं। यही रोड सीधा देवप्रयाग भी जाएगी गाइस। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पापा और चाचा से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकें। पिछली बार जब चार धाम की यात्रा में बारिश के कारण बाधाएं पड़ गई थी तो ये रोड बहुत सक्रिय थी। इस रोड से चार धाम की यात्रा की जो बसें थी वो यहाँ से निकली और अपने गंतव्य तक पहुँची, किसी केस तक पहुँची देवप्रयाग से होते हुए। तो इस रोड को बाईपास भी मानते हैं या फिर साइड बाय साइड रखा हुआ है कि कभी ऐसा चार धाम में कुछ हो जाए या और रोड ब्लॉक हो जाए या हैवी ट्रैफिक हो तो उसको सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते, डिवाइड करते हैं और फिर ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं इस रोड पर। तो ये बहुत मेन रोड है आगे समय आने वाले में जो देवप्रयाग से चंबा कनेक्ट करती है। गाइस आपने सुन लिया होगा, ये देखिए गाइस ये गजा है पूरा। ये आगे तक पूरा गजा है गाइस, ये गजा की मार्केट है। मैं तो चाचा के साथ आया हूँ मार्केट, अभी हम लोग जा रहे हैं तहसील निकालेंगे। गाइस ये गजा की मार्केट में है हम लोग अभी और हम लोग जा रहे हैं अभी तहसील, इसे कहते हैं गजा की तहसील। यहाँ पे हम खाता खतौनी के काम से जा रहे हैं। चाचा जी लेके आए हैं कुछ पेपर्स अपने, देख सकते हैं आप चाचा के हाथ में, तो चलते हैं और आपको दिखाएंगे अब जो भी पेपर वर्क करते हैं। कुछ ऐसी है तहसील, हम तहसील में आ चुके हैं और ये हमारी तहसील है गाइस। नमस्कार भैया जी, ये सर हैं, इन्होंने हमें हेल्प करा है बताने में, हम पहली बार आए हैं तहसील। तो यहाँ से ये देखिए गाइस तहसील का वर्क यहाँ से होता है और देखिए पहले से कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर दिया है गवर्नमेंट ने, कितनी साफ सफाई है, कितना अच्छा है। चाचा अभी गाँव का नाम बता रहे हैं। आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए ये आसपास का व्यू है। गाइस
गाइस यहाँ पे ऐसे खिड़की नंबर बना हुआ है, खिड़की नंबर 4 और आगे भी है। इमेज स्ट्रेट की व्हीकल है ये, श्री सुबोध उनियाल जी माननीय मंत्री जिनके अंडर में ये बना होगा। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे रुके हैं। जब हमारी गांव की तरफ जाते हैं गजा से आते हुए तो ये बीच में जगह पड़ती है, देखिए कितनी प्यारी जगह है गाइस। और अभी हम लोग वहाँ ऊपर जाएंगे थोड़ा सा खाने, क्या ब्यूटी है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टेहरी गढ़वाल जैसी जगह कहीं नहीं मिलेगी गाइस। चलते हैं दिखाते हैं आपको, ये देखिए चीड़। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं गाइस। ये देखो हम लोग कहाँ बैठे हैं। हाय बोलो सब्सक्राइबर्स को। देखो गाइस क्या मजा है जिंदगी के, असली मजे टेहरी गढ़वाल के पहाड़ों में है। आप लोग आइए और आनंद लीजिए यहाँ का। मैं भी ऊपर चलता हूँ, मैंने अपनी रेडबुल और अपने लेज ले लिए हैं। चलते हैं अब आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। हम लोग बचपन से यहाँ आ रहे हैं पर आज तक यहाँ ऊपर नहीं गए, बट आज जा रहे हैं बिकॉज ऐसे ही मन कर रहा था। इस आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा जुगाड़ है, देसी जुगाड़। सेब, अंगूर, संतरे, खीरे, बनाना, मेरी रेड बुल। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे गाइस ये पोखरी है हमारे नियर बाय गांव के पास के आसपास के सारे गांव का डिग्री कॉलेज भी यहां पे है। तो जो लोग चाका गजा में रहते हैं उन लोगों को पता होगा ये पोखरी के बारे में। बेसिकली पूरे एरिया में हमारी रिश्तेदारी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का घर है गाँव में। आपको दिखाते रहेंगे जो याद आएगा। ये छोटा सा एक इनसाइड रेस्टोरेंट है खाने पीने के लिए और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी बनाया उन्होंने आगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, सकते हैं आप लोग भी घूमने आए तो यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। गाइस ये मंदिर दिख रहा है आपको, यहाँ पे
सरू का ताल, इसके पल्ली साइड सरू का ताल है एक, मतलब बहुत फेमस गाना लगा हुआ है, गढ़वाली गाना, ताला डूबी सरू मेरी ताला डूबी वहाँ का है, नीचे है इसके नीचे है वो। एक कोट गांव है, ये हमारी मौसी का गांव है, यहाँ पे ये उसकी मार्केट है। गाइज ये देखिए, ये कोट गांव है, मेरी नानी का गांव है, ये पापा की नानी का गांव है। देखिए ऐसे आपको और गांव दिखाते रहेंगे जो भी आएगा रास्ते में। गाइज ये मेरी मौसी के खेत हैं सारे, जुब्बल नगरी के खेत कहते हैं इन्हें। ये देखिए ये वाले खेत सारे, ये आगे भी है जो, और इस साइड भी है ऊपर के खेत हैं जो, ये हमारी मौसी औरों के खेत हैं ऊपर की साइड है ये, और जो सामने, और ये सामने अब जो दुकान आने वाली है ये हमारी मौसी जी की दुकान है। वो लोग वैसे लखनऊ रहते हैं पर ये उनका घर नीचे है और ऊपर दुकान है। देखिए गाइस ये जहाँ पे ये झंडा लगा है, झंडे के नीचे वाली ये पूरी ये जो स्टोर है ये सारी ये उन्हीं की है, मेरी मौसी की। अंगूर लग रहे हैं और ये देखिए उनके पेड़ पे अंगूर लग रहे हैं, अंगूर का पेड़ है। ये हमारी मौसी का घर है गाइस। ये देखिए ये वाला वाइट वाला पूरा ये उन्होंने घर बना रखा है। देखिए क्या साइड में है, ये देखिए गाइस ये आड़ू हो रखे हैं, अभी कच्चे हैं, कच्चे हैं। ये देखिए ये है पयाल गांव नीचे, ये मेरी पापा की दूसरी वाली बुआ का गांव है। तो हमने सोचा आपसे शेयर करें, अगर आप देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे घूमने। देखिए क्या ब्यूटी है गाइस, ये देखो कोटेश्वर डैम, ये हमारे गांव के जस्ट नीचे है गाइस डैम। देखिए आप सोच सकते हैं अगर डैम यहाँ पे तो गांव ऊपर है तो हम कितनी हाइट पे हैं अभी। ये पीछे नदी जा रही है, कौन सी नदी है पापा? भागीरथी। ये गाइस भागीरथी नदी है जो आ रही है, और पीछे वहाँ टीरी बांध है एंड में, और ये पावन हाउस है इधर। देखिए कितना प्यारा नजारा है, सर्च कर सकते हैं गूगल में कोटेश्वर डैम, ये हमारे गांव से भी दिखता है, आपको दिखाएंगे। देखिए गाइस 13 किलोमीटर पौड़ी देवप्रयाग। गाइस फाइनली हम लोग अपने गांव आ चुके हैं, और ये हमारे ताऊ जी की दुकान है, ये अपनी दुकान है पर ये हमारे ताऊ जी की है, उनके लड़के रह चुके हैं वो संभालते हैं। ये हमारे भाई का लड़का है लक्की, लक्की हाय बोल, बोल सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो गाइस। ये लक्की है आज का दुकानदार, ये है कुछ खरीदना हो तो लक्की से ही खरीदना, पैसे उसी को देने। नीचे वाइट वाला घर देख रहे हो, ये पटवारी की चौकी है, हमारे गांव के जो पटवारी है उनकी चौकी है, पटवारी के पास होती है। यहाँ पे जो पुलिस की पावर होती है एरिया की वो पटवारी के पास होती है, पटवारी की गाड़ी खड़ी है। और ये डैम देखिए, डैम के जस्ट ऊपर है हमारा गांव, ये अपना गांव, ये हमारा गांव है पूरा अदालियों विलेज। अच्छा विलेज ऐसा है गाइस देखो। हेलो गाइस फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, और सब लोग आ चुके हैं। ये हमारा घर है पीछे, ये हमारे भैया का है, ये वाले हमारे दूसरे भैया का है, वो हमारा है, और उधर हमारे चाचा जी का है। ये हमारे भैया की प्यारी प्यारी भैंसे हैं। और गाइज आगे का व्लॉग अब मैं आपको कभी और दिखाऊंगा, बिकॉज आज बहुत थक गए हैं।